परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आप नूह जिले से कर रहे हैं, सिंगार गांव से कर रहे हैं सर, क्या मैसेज देने की आप पूरे हरियाणा में कोशिश करेंगे सर? मैसेज यही है कि ये जो आने वाले हरियाणा सरकार के जो चुनाव होंगे उसमें सत्ता परिवर्तन की लहर आएगी और आज जो माहौल, आज जो हालात हैं प्रदेश के, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए परिवर्तन यात्रा है। सर, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है, काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है सर। जी जी, अभी तो और बहुत साथी रास्ते में हैं, बहुत से लोग पहुंचने वाले हैं। आप मान करके चले यहाँ पे आज कम से कम 40-50 हज़ार आदमी इकट्ठा होगा जब ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। और किस तरीके के सर ये यात्रा रहेगी, जो लोगों के बीच आप लोग जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके सरकार को घेरने के, किस तरीके के मुद्दे? आज सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कोई कमी है? आपने थोड़े दिन पहले सेशन देखा था, यहाँ पे इनसे एक बात का जवाब नहीं दिया जाता। आज चाहे बेरोजगारी है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे सरपंचों की करें, अलग अलग मुद्दों पर जनता आज सड़कों पर बैठी है, चाहे कर्मचारी हैं वो परेशान है, किस तरह पिछले दिनों कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज किया गया। तो इसी प्रकार से बाकी हम जो मुद्दे हैं वो हल्के और जिले के हिसाब से मुद्दे उठाएंगे। ऐतिहासिक सर रहने वाली है यात्रा, कितनी ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है सर? ये तो आप जब यात्रा के साथ साथ चलिएगा आपको खुद पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। नेशनल लोकदल के नेता करण सिंह चौटाला, जिन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की मेरे सहयोगी जस्सी के साथ, राजा पटेल नूह में बात।